ये बहुत कम होता है कि राजनेता के कथनी और करनी में समानता होता है। विधानसभा में उन्होंने कहा था, इस सदन में कह रहा हूं, ज्यादा किसी भी ढंग से गफलत में मत रहो। ये बात वो नेता प्रतिपक्ष से कह रहे थे, गफलत में मत रहो, तुम्हारे गुर्गों को मिट्टी में मिला दूंगा। पर मिला दिया मिट्टी में। हाँ मनीष जी, आज आज दूसरा शूटर जो है वो भी पहुंच गया ऊपर, उसको भी पुलिस ने ढेर कर दिया। और 70 हूड़ों के जो पास, 72 हूड़ों के पास। हाँ 72 हूड़ों के पास वो पहुंच गया, और जो हम लोगों ने उसी दिन शंका व्यक्त की थी कि ये गोलीकांड के बाद ये हत्यारे नेपाल भागे होंगे, तो वो भी पुलिस ने सर्विलांस पे इनको ट्रेस कर लिया है। तो उसमें वो जो गुड्डू मुस्लिम जो बम फेंक रहा था दिख रहा है, जिसका बड़ा चर्चा है, उस वो अतीक के लड़के की लोकेशन नेपाल में ही मिली है। हम लोगों ने पहले दिन कहा था कि वो नेपाल भागे होंगे, क्योंकि तो उत्तर प्रदेश में उनका गुजारा नहीं होना, या देश में भी कहीं गुजारा तो एसटीएफ पकड़ लेती। और सबसे खास बात यह है कि एसटीएफ जो आज खबर आई है कि एसटीएफ नेपाल के लिए रवाना हो गई, तो ये अब बता रहे हैं एसटीएफ रवाना हो चुकी होगी और उनको ट्रेस कर लिया है नेपाल में। तो बहुत जल्दी कोई अच्छी खबर वहां से भी आप लोगों को मिलेगी, और बचेंगे नहीं मनीष जी, बचेंगे नहीं। और ये आप एक चीज समझ लीजिए, ये अतीक मुख्तार, इनके गुर्गों की वजह से उत्तर प्रदेश की बहन बेटियों का सड़क पर निकलना मुश्किल था, उनको इस औकात पे ला दिया है मनीष जी बाबा ने, कि अतीक की बीबी अतीक की बहन गिड़गिड़ा रही है आके रोड पे और बता रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा लड़का गायब हो गया है और मेरे भाई को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। तो उनको इस स्तर पे तो ला दिया, लेकिन अभी ये शुरुआत है, अभी इस पिक्चर का फिल्म का क्लाइमेक्स बाकी है। वो क्लाइमेक्स बहुत जोरदार होगा, धमाकेदार होगा। और मनीष जी यहाँ पे किन परिस्थिति, समझिए कितना इनका दुस्साहस बढ़ा हुआ था कि मगर यूपी में इनकी औकात नहीं हो रही है। तो आपके पटना से जो डॉक्टर संजय कुमार का अपहरण हुआ है बुधवार को, दर्शक ये भी जान लें कि डॉक्टर संजय कुमार पटना के प्रख्यात चिकित्सक थे, वो उत्तर प्रदेश के जो एडीजी ला हैं, मतलब से सारा जो कुछ भी आपने 4-5 साल में देखा है माफियाओं के खिलाफ जो अभियान चला है उसका नेतृत्व कह लीजिए, उसका मार्गदर्शन पुलिस का जो है वो प्रशांत कुमार का था, इस समय एडीजी ला है वो डॉक्टर संजय कुमार उनके रिश्तेदार हैं। तो ये उनके साढ़ू भाई हैं, समझिए बिल्कुल निकट का रिश्ता है। बिल्कुल बिल्कुल और ये एक अनुमान लगाया जा रहा है, अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, कि संभवतः अतीक ने उन पर दबाव बनाने के लिए, क्योंकि यूपी में तो वो कुछ कर नहीं सकता था, तो उसने बिहार में खोजा। बिहार में तो जंगल राज आ ही गया, सभी जानते हैं, मनीष जी अक्सर जिक्र करते हैं। तो बिहार में वहां पर उनके साढ़ू के साथ ये घटना अंजाम दी गई है, जिसमें अतीक का, वहां बिहार के जो भी उनके अतीक के जो होंगे गुर्गे उनके जरिए दी गई है। और इसका जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एक तो समझिए पुलिस में कितने तनाव दबाव में काम कर रही है, क्या उसके ऊपर वो है। और उसके अलावा आप देखिए बिहार में कोई सुगबुगाहट नहीं है मनीष जी, बुधवार से वो बिल्कुल डॉक्टर लापता है, उनकी कार बरामद हो गई, उनका मोबाइल फोन बरामद हो गया है, गंगा पुल पे वो मिला, और कहीं कोई ना तो मुख्यमंत्री बोल रहा है ना, मतलब जैसे कोई असाधारण हो, कोई सामान्य सी घटना हो गई। क्योंकि वो लालू राज में तो आप जानते हैं कि अपहरण हत्या तो बहुत कोई बड़ी बात होती नहीं थी, कॉमन चीज थी, बिहारियों को उन्होंने आदी बना दिया था। उसी शैली में मतलब आप देखिए, तो फिर वो इसी आ जाते हैं कि अगल बगल के दोनों प्रदेश हैं, तो यहाँ पे माफिया अपने प्राणों की भीख मांग रहा है, और वहां पर एक अपहरण करने के बाद बुधवार से आज सोमवार हो गया, यानी अब 2 दिन बाद 1 हफ्ता हो जाएगा, और कहीं कोई खोज खबर नहीं है, सरकार की तरफ से कोई आश्वासन नहीं है, ना कुछ ऐसा लग रहा है कि पुलिस एक्टिव है। तो ये अंतर आप समझिए बिहार और उत्तर प्रदेश का। और जो अभी मैंने अस्पताल वाले बताया, तो जो बिहार के लोग हम लोग सुन रहे हो, वो जरा एक बार अपनी सरकार से पूछे हैं कि तुम तो योगी बाबा ने तो 6 साल के अंदर ये कमाल करके दिखाया है, तुम 18 साल से चीफ मिनिस्टर बने हो, तुमने क्या किया? बिल्कुल सर, इसमें जरा जोड़िएगा कि मुझे याद है कि मैंने खुद विश्लेषण किया था, बिहार के नए डीजीपी जो सरदार जी आए हैं उनसे बड़ी उम्मीद थी लोगों को, क्योंकि वो जब एसएसपी थे सिवान में तो शहाबुद्दीन को नंगा करके पीटा था उन्होंने, और पूरी लोकप्रियता उनकी थी। तो जब वो डीजीपी बने तो ये माना जा रहा था कि बिहार से जंगल राज वो खत्म कर देंगे। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूं कि पुलिस वालों वही होते, वही यूपी की पुलिस थी, यूपी में जंगल राज था, आजम खान अत्याचार करता था, मुजफ्फरनगर में जो दो जाट युवक जो अपनी बहन की लाज बचाने के लिए
गुंडे के पास गए थे, उसकी हत्या कर दी गई और आजम खान ने FIR दर्ज नहीं होने दिया। इसी उत्तर प्रदेश में माफिया राज था, वही पुलिस है, वही IPS ऑफिसर हैं। जब नेतृत्व बदला, सत्ता का इकबाल आया तो फर्क पड़ गया। तो पुलिस ऑफिसर कितना भी बढ़िया हो जाए, यदि बेईमान और चोर को आपने चुना है, इसका मतलब आप खुद चोर हैं। आप चोर हैं तो आप चोर चुनेंगे। जनता नेता वही वैसा ही चिंता है जैसे जनता की सोच होती है। तो बिहार के लिए मैसेज है कि वही पुलिस है यूपी में जो योगी से पहले थी। ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश की जो पुलिस अखिलेश राज में थी उसको हिंद महासागर में योगी आदित्यनाथ ने फेंक दिया, तमाम IPS को, तमाम पुलिस वालों को, और नया कहीं से गढ़ करके लेके आ गए। वही है बिहार में, वही जीजी जो IPS था, वो क्रांति लाए हुए था शिवान में, जब उस समय नीतीश नए नए थे, नीतीश के अंदर डिटर्मिनेशन था, वही नीतीश CM है। और आज उस बिहार में अतीक की हिम्मत हो जाती है कि जो काम वो यूपी में नहीं करवा पाता, कहा जा रहा है कि जो असद उसका बेटा है उसने अतीक की का जिम्मेदारी ले ली है, माफियागिरी का धंधा शुरू किया था, और वो जो आप पिछले दिनों कह रहे थे कि वो एक मौका तलाश रहा था कि योगी को एक तरह से चैलेंज देने का कि कोई दूसरा गवाही अब नहीं दे, योगी ने रीढ़ तोड़ दिया। लेकिन बिहार में कुछ भी नहीं हो पा रहा, एक डॉक्टर को नहीं ढूंढा जा पा रहा है। मैंने आपको पीछे कहानी सुनाई थी कि जब लालू यादव का राज था, डॉक्टरों का अपहरण अक्सर होता था, क्योंकि जो डॉक्टर लोकप्रिय होते थे उनका अपहरण हो जाता था, उनकी गाड़ी छीन ली जाती थी। इसीलिए बिहार के ज्यादातर डॉक्टर बिहार छोड़कर के बाहर चले गए और बिहार की पूरी चिकित्सा व्यवस्था चौपट हो गई। एक डॉक्टर साहब को उनकी IPS दामाद ने कार गिफ्ट की थी सर 90 के दशक में, और ये बहुत लोकप्रिय कहानी है। और जब पता किया तो बाद में पता चला कि वो कार लालू के पोर्टिको में ही थी। ऐसा था बिहार का जंगल राज। उसकी वापसी हुई है तो जरा ब्रीफली बताइए कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक ही मामले में क्या फर्क है। नहीं, मैं मनीष जी बता तो रहा हूँ कि यहाँ पे मेरे ख्याल से उमेश पाल के हत्याकांड को भी जो है 8-10 दिन हुए हैं, तो दो आदमी जेल में है, दो आदमी 72 हूर के पास पहुंच गए। जो उस हत्याकांड में शामिल थे वो तो 72 हूर के पास पहुंच गए। जो जरा सभी मददगार थे, 4 लोगों के मकान गिराए जा चुके हैं बुलडोजर से, मतलब पता लगा लिया पुलिस ने, उनके बुलडोजर से मकान ढहा दिए गए। और अभी कम से कम जो खबरें हैं कि कम से कम अभी 1 दर्जन मकानों पे बुलडोजर चलना है मनीष जी, कम से कम। ज्यादा हो जाए संख्या तो बड़ी बात नहीं है। होली की वजह से थोड़ा आज शांत हो गया है, होली के बाद आप दोबारा रौद्र रूप फिर देखेंगे प्रशासन का, पुलिस का, तो ये फर्क है। और मैंने कहा ना कि अंतर ये समझ लीजिए कि बिहार एक डॉक्टर के बारे में ना कोई पता लगा रहा है ना कोई उस पर कोई बोल रहा है, जैसे कि हो गया तो हो गया। तो ये जाहिर सी बात है कि कहीं बड़ी साठ गांठ है। ये सीधी सीधी बात है कि बिना उसके मनीष जी जो अतीक अपनी प्राणों की भीख मांग रहा है उसकी इतनी हिम्मत नहीं हो सकती जब तक उसको संरक्षण कहीं और से न मिले। तो ये बड़ा मसला है और ये आने वाले समय में तूल पकड़ेगा, क्योंकि प्रशांत कुमार जो हमारे यहाँ के AD जिला है वो एक तरह से काल बन चुके हैं। योगी बाबा का नेतृत्व है, मार्गदर्शन है, उसको जमीन पे जो अंजाम दे रहे हैं वो प्रशांत कुमार ही है, तो उनको एक तरह से चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है, ये ऐसा माना जा रहा है। जब तक उन डॉक्टर के विषय में बिहार की पुलिस, बिहार की सरकार जब तक कोई पुष्ट जानकारी नहीं दे देती तब तक ये यही माना जाएगा। और ये समझिए एक तरह से यूपी की पुलिस का, उत्तर प्रदेश की सरकार का मनोबल तोड़ने वाले गुंडे वो बिहार का सहारा ले रहा है। ये बहुत अगर जो आपने तुलना करने की बात की तो इसे समझ लीजिए जमीन आसमान का फर्क, जमीन आसमान का भी नहीं, आकाश और पाताल का फर्क है दोनों प्रदेशों में। और जो स्वास्थ्य सेवाओं की बात की वो तो मनीष जी मैंने कहा ना कि बिहार में जो रह रहा है आदमी, जो जहाँ रह रहा है उससे हम देख ले कि वहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का क्या हाल है। और यहाँ का तो मैंने कहा कि इसमें तो राष्ट्रीय स्तर पर इसकी प्रमाणिकता की मोहर लगी है, वो हम लोग बात कर चुके हैं इन्वेस्टमेंट वाली की 33.5 लाख करोड़ रुपए मनीष जी कायाकल्प हो जाएगा 4-5 साल में, अगले 4-5 साल में। तो ये फर्क है दोनों प्रदेशों का, हम लोग कई बार इसका मतलब तो अक्सर हो ही जाता है। और इसमें एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जिस तरह से बिहार के डॉक्टर का अपहरण हुआ, जिस तरह से बिहारियों को पीटा जा रहा है तमिलनाडु में, और बेशर्मी से ये दोनों नीतीश और लालू कह रहे कुछ नहीं हुआ, एक DGP से बयान डलवा दिया, एक वीडियो को उसने खंडन कर दिया और तेजस्वी उसी पे नाचने लगे। क्या कल्पना की जा सकती है, जिस तरह से बिहारियों का अपमान होता था वैसे ही यूपी वालों का अपमान होता था, भैया कह करके मुंबई में।
आज क्या यूपी के लोगों का अपमान वैसे हो सकता है? क्या यूपी के किसी डॉक्टर के साथ वैसे हो सकता है? हिम्मत कोई माफिया कर सकता है? आपको याद होगा मैं अक्सर चर्चा करता हूं, महाराष्ट्र में गुजरात में सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर हुआ था। इस लुटियन दलालों ने गंध मचा दिया था। एक माफिया सोहराबुद्दीन, एक लश्कर ए तैयबा की आतंकी इशरत जहान, इसके लिए लोग नंगा नाचते थे। आज ये दिल्ली के दलालों की हिम्मत क्यों नहीं हो रही अतीक अहमद के गुर्गों के एनकाउंटर पे मानवाधिकार की बात करने की? ये फर्क बिहार और यूपी में है। ये माफिया, ये मीडिया माफिया आज नैतिकता की बातें क्यों नहीं कर पाता? ये जेम्स राय के चेले जो गुजरात में नरेंद्र मोदी और उसी के कारण अमित शाह को जेल जाना पड़ा सोहराबुद्दीन एनकाउंटर में, आज इनकी हिम्मत क्यों नहीं हो पा रही है कि योगी आदित्यनाथ की राज में जो एनकाउंटर हो रहा है उस पे चिरपिटों दलालों की ये टोली, ये सनसनीबाजों का गैंग आवाज क्यों नहीं उठा पा रहा है? सर मनीष जी, आवाज इसलिए नहीं उठा पा रहा कि योगी बाबा, एक तो योगी बाबा के नाम से पसीना आता है इनको, ये दिल्ली में बैठ के आग उगला करते हैं, और दूसरा सच ये है कि अगर इस पे इन्होंने आवाज उठाई तो पब्लिक मारेगी इनको, ये रोड पे मारे जाने लगेंगे, सड़क पे इनको, सड़क पे इनको तो जनता जनता इनको दौड़ा के मारेगी। अगर इन्होंने गुंडों को, जो पहले मानवाधिकार वाले आके 5 आदमी 10 आदमी बैठ जाते थे धरने पे, भूख हड़ताल और अनशन धरना प्रदर्शन, और उसको एक खैराती इस तरह से दिखाने लगते थे जैसे पूरा देश प्रदेश आ गया है, तो अब की जो बैठा अगर इस इन एनकाउंटरों के विरोध हुए तो फिर वो उनका जनता एनकाउंटर कर देगी। ये यहाँ का माहौल है उत्तर प्रदेश का, क्योंकि तो सबसे बड़ी समस्या से बाबा ने बिल्कुल, जैसे कैंसर था एक अपराध, उस कैंसर से मुक्ति दिलाई है, और उसके खिलाफ जो बोलेगा तो उसका जनता एनकाउंटर करेगी, पुलिस नहीं। और यही बिहार में होना चाहिए, यही बिहार में होना चाहिए।